Hello my dear students, today I am going to explain your third poem, A Tiger in the Zoo. It is really very interesting and sentimental poem. Natural habitat and artificial habitat of the tiger, of a tiger is given in this poem. How does he feel when he is there in his natural habitat, and what does he feel when he is there in the cage? वो अपने प्राकृतिक habitat में जब होता है तब कैसा महसूस करता है, और जब उसको एक कृत्रिम, एक मानव निर्मित, एक पिंजरे में डाल दिया जाता है, चिड़ियाघर में डाल दिया जाता है, तब वो कैसा महसूस करता है. टू परसेप्शंस अबाउट टाइगर्स अपैथी. टाइगर्स सैडनेस His concern is given in this poem. इस कविता में टाइगर जो अपने प्राकृतिक, आप जानते हैं जो इसका प्राकृतिक निवास जो होता है वो जंगल में होता है, फॉरेस्ट में होता है, लेकिन आपने देखा है कि लोग उसको चिड़ियाघर में बंद कर देते, पिंजरे में बंद कर देते हैं. यही अंतर कि जब वो चिड़ियाघर में होता है तब उसको कैसा महसूस होता है, किस तरह का रिएक्ट करता है, क्या जीवन शैली होती है उसकी, और जब वो फॉरेस्ट में होता है तब कैसी जीवन शैली होती है, तब कैसा महसूस करता है, तब कैसा रिएक्शन उसका होता है, यही आपको इस पोएम में बताया गया है. ओके, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर व्हेन इट इज़ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज़ इन केज इन अ जू. जब अपने प्राकृतिक परिवेश में होता है, ये परिक्षेत्र में होता है, जब चिड़ियाघर के पिंजरे में होता है, तो दोनों में क्या अंतर है वो बताया गया. टाइगर पेसेज अप एंड डाउन इन इज केज ऑन अ स्टेरी नाइट. अगर वो केज में बंद होता, इफ देयर ही इज देयर इन द केज, ही इज़ नॉट फ्री, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ वेरी सैड, ही कुड नॉट स्लीप देयर कम्फर्टेबली एंड होल नाइट ही स्पेंड्स इट बाई वॉकिंग हेयर एंड देयर. बिल्कुल आराम में नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, पूरी रात जंगल में इधर वो पिंजरे में इधर उधर. वो देखा होगा आपने चिड़ियाघर में कि बंद होता तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्योंकि देर इज नो इनफ स्पेस एक्चुअली. एज ही गेट्स इन द फॉरेस्ट, ऐसा स्पेस नहीं होता तो वो उसी में चलता रहता, वो खुश नहीं होता, बहुत दुखी होता, बट ही इज़ हेल्पलेस, ही इज़ बाउंड, ही कैन नॉट डू एनीथिंग देयर. बहुत मजबूर होता बेचारा वहाँ पर. ही इज़ फुल ऑफ रेग, ही इज़ एंग्री, गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बट इज़ क्वाइट इन इज हेल्पलेसनेस, शांत रहता है कि मजबूरी में क्या कर सकता है वो. द पोएट इज मूव टू पिटी द टाइगर्स हेल्पलेसनेस, जो उसकी बेचारापन है, जो मजबूरी है बेचारे की, उसको इसमें दिखाया गया है पोएम में आपकी. ही सेज़ दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल. कहाँ होना चाहिए उसको, जंगल में होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हिज नेचुरल हैबिटेट. तहाँ खुश रहेगा, उछलेगा, कूदेगा, शिकार करेगा, जो भी उसके प्राकृतिक जो एक्शंस हैं वो वहाँ पे परफॉर्म करेगा. ओके, ही शुड हैव बीन मूविंग क्वाइटली इन द शेडोज नियर सम वाटर होल. अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट कह रहा है कि अगर वो जंगल में होता, इस टाइम पिंजरे में ना होता, तो वो एक पानी के तालाब के पास जो घास है, घास में छाया में उसमें चल रहा होता, वेटिंग टू किल डियर. उस छाया में छुपता हुआ जो डियर आता है पानी पीने के लिए वाटर होल के पास, प्लम्प डियर, उसका वो शिकार कर रहा होता, पीछे पीछे उसके चल रहा होता, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ देयर इन द केज. कहाँ है इस टाइम, वो केज में है, वो अपना नेचुरल एक्शन वहाँ पर नहीं कर सकता, होना वहाँ चाहिए था,
शिकार एक हिरन का करना चाहिए था उसको, जो पानी पीने आता और ये धीरे धीरे घास में उसकी तरफ बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा है। बट सैडली ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स इन द कॉन्क्रीट केज, बहुत ही मजबूत पिंजरे में सलाखों के पीछे बेचारा बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता, इज हेल्पलेस। ही डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ द विजिटर्स। जनरली व्हेन एनी पर्सन एनकाउंटर्स विद टाइगर देन ही और सी इज डेड, कोई टाइगर को मिल जाए अगर बंदा तो उसको मार देता है, नेचुरल इसका यू नो ये एक एक्शन है। लेकिन पिंजरे के बाहर कई लोग खड़े हुए, लेकिन बेचारा उनका वो कुछ नहीं कर पा रहा, किसी विजिटर पे वो ध्यान भी नहीं दे रख पा रहा, क्योंकि वो जानता है कि मैं इनको कुछ नहीं कर पाऊँगा और वो अपने ही दुख में परेशान है। इफ एंड लुक सैडली एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी आँखों से किसको देख रहा है, तारों को देख रहा है। व्हाट इज ही थिंकिंग, क्या सोच रहा है, ही इज थिंकिंग दैट द स्टार्स आर शाइनिंग बिकॉज दे आर फ्री। वो क्यों चमक रहे हैं तारे, क्योंकि वो फ्री है, वो स्वतंत्र है, वो मजबूर नहीं है, वो किसी के बंधन में नहीं है, जबकि वो बंधन में है, ठीक है। इसलिए वो उनकी तरफ देख रहा है कि यार तुम तो फ्री हो इसीलिए तुम चमक रहे हो, मैं तो बुझा हुआ हूँ क्योंकि मैं, तुम तो अपने नेचुरल हैबिटेट में हो, लेकिन मैं नहीं, मैं मनुष्यों ने मुझको कैद करके रखा है तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं चमक भी नहीं रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, आप जैसा खुशी नहीं बिखेर रहा हूँ। नाउ ही हैज टू बी कॉन्टैक्ट विद मेरली लुकिंग एट द स्टार्स कंटेंट विद, अब केवल वो स्टार्स को देख रहा है जो दिखाई दे रहे हैं उनको, उसको उनमें वो जो है जो यू नो एक संतुष्टि है या जो भी फ्रीडम है वो उसको उनसे कंपेयर कर रहा है, उन स्टार्स को देखकर समझ रहा है कि फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम में कौन कैसे चमकता है, जबकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं चमक रहा हूँ, तारे चमक रहे हैं। तो इन दिस पॉइम स्टार्स आर कंपेयर्ड विद द यू नो फ्रीडम, क्यों चमक रहे हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, ये क्यों बुझा हुआ, ये नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, ये भी ऐसे ही चमकता, he might have been you know shined if he would have there, agar wo wahan pe hota jungle mein hota natural habitat to wo bhi aise hi chamakta jaise ki tare chamak rahe hain, wo itna dukhi hai ki dost tum to chamak rahe ho aasman mein kyunki tum free ho swatantra ho, main is you know pinjre mein band hu chidiya ghar mein, main khush nahi hu, main bahut dukhi hu, tum apna natural you know show kar rahe ho wahan par, नेचुरलनेस मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, जो नेचर मेरा है मैं यहाँ पर पिंजरे में दिखा नहीं पा रहा हूँ। ही इज नो लॉन्गर फ्री टू मूव इन इज नेचुरल हैबिटेट, अब वो स्वतंत्र नहीं है कि अपने नेचुरल हैबिटेट में जा पाए क्योंकि उसको एक पिंजरे में बंद करके रख दिया गया है। एंड ही लुक्स विस्टफुली एट द स्टार्स एंड सैड एट हिज इम्प्रिजनमेंट, स्टार्स को देख के बहुत दुखी होता है और अपना जो उसको इम्प्रिजनमेंट जो जेल में रखा गया जो केज इज कम्पेयर्ड विद प्रिजन है, तो उसको वो जेल अच्छी नहीं लग रही है, जबकि तारे जो ऊपर हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं, ये नहीं है, इसको पिंजरे में बंद करके रखा इसलिए ये खुश नहीं। ओके आ टाइगर इन द जू, द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इज दैट ए टाइगर दैट should be there in the jungle in the forest in his natural habitat, but unfortunately he is not there, he is in the cage, concrete bars behind the bars, usko salakhon ke piche rakha gaya isliye wo khush nahi hai aur na hi apna koi natural action perform kar pa raha hai jo wahan pe karna chahiye tha jungle mein, कि हिरन का पीछा करना चाहिए था जो पानी पीने आता जलाशय के पास, इसको चुपके से स्टील्थली चोरी चोरी घास में बढ़ना चाहिए था, मूव करना चाहिए था और फिर हिरन के ऊपर झटपटा मार के उसको, डियर इज द प्रे ऑफ द टाइगर, वो तो उसका शिकार होता है तो वो शिकार करता, लेकिन ऐसा अब वो नहीं कर पा रहा है, ना जो विजिटर्स निकल रहे उन पर कुछ कहता है,
पेट्रोलिंग गाड़ियां भी निकलती हैं वहाँ पे व्हीकल्स, उनका भी कुछ नहीं कर पा रहा है वो, ना कुछ कह रहा है। याद भाई कर रहा है कि मैं जब अपने नेचुरल हैबिटेट में था तब कितना खुश था, ठीक है, घुर रहा था लोगों पे, अगर मैं खुला होता तो जो लोग निकलते उन पे घुर रहा था, ठीक है, जो मकान के पास से मैं निकलता लोग खौफ से मुझसे डर जाते, मैं उन पे रोर करता, ठीक है, बट अब ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है वो, बिल्कुल शांत बैठा हुआ, दुखी बैठा हुआ अपने पिंजरे में, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पोएम, यू आर सपोज टू रीड इट लाइन बाई लाइन, दैट इज गिवन इन द बुक, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेल। In my next video, I will explain this poem line by line, word by word, stanza by stanza, okay? अगले वीडियो में आपको मैं stanza से, line से और जो extracts आपके हैं वो सब पढ़ाऊँगा, एक एक line, एक एक आपका जो word है, जो meaning है, जो आपकी lines है, जो book में जैसी poem दी है वो मैं एक एक line आपको explain करूँगा, okay? Next video में, इसमें तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप समझ पाएँ, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट हुम दिस पोइम इज, व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज गिवन और द प्लॉट ऑफ द पोइम, ये जानने के लिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। जो व्यथा बताई है टाइगर ने अपनी, जैसा उसको होने चाहिए था अपने प्राकृतिक परिवेश में, हैबिटेट में, नेचुरल उसमें, उसमें नहीं है वो, ज़बरदस्ती उसको चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद करके रखा गया है। तो वही कष्ट, वही दुख, वही व्यथा इसमें बताई गई है इस पोएम में, ओके। यू आर सपोज टू रीड दिस पोएम लाइन बाय लाइन एट होम सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेल। दिस इज योर होमवर्क माय डियर स्टूडेंट, आई एम giving you assignment, you must read this poem in your book at home. In my next video, I will explain this poem line by line, okay? Thank you. Keep yourself ready for upcoming examinations, UT and other examinations also. You are supposed to give your 100% to your study so that you could be able to get very good marks in the examinations. Thank you. Have a nice day. God bless you.